देखो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, अनुपातों a1 upon a2 b1 upon c1 upon c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, हमें संगत और असंगत ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था a1 upon a2 not equal to b1 upon b2। ठीक है, तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करती हैं। और जब प्रतिच्छेद करती हैं मतलब क्या, ये ऐसे, ठीक है, एक पॉइंट पे कट करेंगे। और इसका हल कितना आता है, एक। और जिस किसी भी का हल एक आएगा, हल कितना भी आए अगर उसका हल आ रहा है तो वो रेखाएं कैसी हैं, संगत। ठीक है, उसकी प्रकृति कैसी होगी, संगत। देखो यहाँ पास एक जगह तो मिली है ये, इसलिए ये कैसी है, संगत है। दूसरी कंडीशन में पढ़ाई थी a1 upon a2 बराबर b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। ऐसा समांतर का मतलब कैसे, ऐसे। इसका हल कितना होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, असंगत। ठीक है, कहीं मिल रही हैं, कभी कहीं नहीं मिलेंगी, इसीलिए क्या, असंगत। एक कंडीशन क्या पढ़ाई, a1 upon a2 बराबर है b1 upon b2 के, और b1 upon b2 बराबर c1 upon c2 के। जब ये तीनों बराबर हैं तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। का मतलब एक पहला समीकरण और उसी के ऊपर दूसरा समीकरण, ठीक है, संपाती होंगी। और संपाती होंगी तो इसके हल कितने, अनेक हल। हल कितने इसके, अनेक हल। और ये कैसे होंगे, संगत होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, संगत होंगे। तो अगर सिर्फ समांतर है तो असंगत है, बाकी संगत है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 2y = 5 और दूसरा समीकरण 2x - 3y = 7। तो हम यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लें, फिर उनका अनुपात का तुलना कर लेंगे और हम बता देंगे संगत या असंगत। देखो यहाँ से a1 कितना आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन a1 कितना है हमारा, x का गुणांक होता है कितना है, 3। ठीक है, और इसी प्रकार हम बात करें b1 की, तो b1 कितना है हमारा, y का गुणांक होता है कितना है, 2। और c1 की बात करें तो कितना है, 5। इसी प्रकार हम a2 की बात करें तो a2 कितना है इसमें, 2। और b2 कितना है, y का गुणांक, अब हम साइन सहित लेंगे, माइनस का 3। ठीक है, और c2 कितना हो जाएगा, 7। अब जरा तुलना कर लेते हैं, a1 upon a2 रख लेते हैं। a1 कितना हमारा, a1 upon a2, तो a1 upon a2 कितना हमारा है, यहाँ कर लेते a1 upon a2 कितना आ जाएगा, 3 upon 2। ऐसे b1 upon b2 कितना आ जाएगा हमारा, 2 upon -3। इसी प्रकार c1 upon c2 कितना आ जाएगा हमारा, 5 upon 7। अब इनकी तुलना कर लेते, देखो 3 upon 2 2 upon -3 5 upon 7, क्या ये दोनों बराबर हैं, एक जैसे हैं, नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो इसको तुलना करने की जरूरत है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, और प्रतिच्छेद करेंगे तो इसका मतलब क्या है, संगत होंगे। तो ये क्या है, संगत है। समझ में आया, कैसा है, संगत है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या, a1 कितना है, 2x - 3y = 8 इक्वेशन है, तो a1 कितना हो जाएगा, 2। b1 कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, c1 कितना है, 8 हमारा। a2 की बात करें तो x का गुणांक कितना है, 4। b2 माइनस का 6 और c2 9। अब रेशियो रख लेते हैं, 2/4।
कट जाएगा, दो एकम दो, दो दूना चार, कितना आ गया एक बटे दो। इसी प्रकार इसका करते हैं माइनस थ्री अपॉन माइनस सिक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तीन एकम तीन, तीन दूना छः, मतलब कितना आ गया एक बटे दो। सी वन अपॉन सी टू निकाल लेते हैं, आठ बटे नौ, कितना आ जाएगा, ये तो आठ बटे नौ ही रहेगा ना, कटेगा नहीं। तो देखो इनकी तुलना करते हैं, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू। अब इनमें साइन लगाते हैं, ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, एक जैसे हैं तो ये बराबर, ये एक जैसे हैं नहीं ना, तो ये नहीं बराबर। और जब बराबर ए वन ए टू बी वन बी टू बराबर हो लेकिन सी वन सी टू बराबर ना हो तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। समांतर हैं तो मतलब क्या, इसका कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं तो ये कैसी होंगी, असंगत। तो ये कैसी होंगी, असंगत। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर तीन, थ्री का तीसरा पार्ट, थ्री का तीसरा क्वेश्चन। देखो थ्री का तीसरा, ए वन ए टू कितना है हमारा, थ्री अपॉन टू है, अब बी वन अपॉन बी टू कितना है, फाइव अपॉन थ्री, और सी कितना है हमारा, सेवन। इसी प्रकार ए ए टू कितना, नाइन, ये कितना, माइनस टेन, ठीक है, और सी टू फोर्टीन। अब अनुपात निकाल लेते हैं, तीन बटे दो का पूरा बटा नौ। और देखो हमने ये बताया है ए टू बी और सी अपॉन डी हो तो ये क्या हो जाता है, ए गुड़ा डी और बी गुड़े सी, ठीक है, इसकी इससे गुड़ा और इसकी इससे गुड़ा। तो देखो इसमें नौ की इसके नीचे कितना है, वन है, इसलिए वन इससे गुड़ा हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, थ्री वन जा थ्री और दो नौ अट्ठारह, यानी कि तीन कम तीन, तीन छंग अट्ठारह, कितना है एक बटे छः। इसी प्रकार इसका कर लेते हैं, फाइव अपॉन थ्री, अब पूरा बटा कितना हो जाएगा, फाइव अपॉन थ्री पूरा बटा माइनस का दस। देखो इसके नीचे वन है, फाइव पे जाएगा, यानी कि फाइव पंजा फाइव हो जाएगा, दस तीन तीस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का साइज है, पाँच एकम पाँच पंजा छः, लेकिन कितना माइनस का एक बटे छः, ठीक है। तो ए वन ए टू हमारे कितना है, वन अपॉइंट सिक्स, ये कितना है माइनस का वन अपॉइंट सिक्स, क्या ये बराबर है, ये प्लस का या माइनस का, ये बराबर नहीं है। और जब बराबर यही नहीं है तो सी वन सी टू का डिफरेंस लेने से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, हम यहीं से देख लेंगे। और जब ये बराबर नहीं तो रेखाएँ कैसी हैं, प्रतिच्छेद करेंगे, अब प्रतिच्छेद करेंगे मतलब क्या, संगत हैं, क्योंकि इसका हल एक होगा, जब एक हल होगा तो ये संगत हैं, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर चार, देखो क्वेश्चन नंबर चार में ए वन कितना है हमारा, फाइव, ए टू कितना, बी टू कितना, बी वन कितना है माइनस थ्री, और सी वन कितना है हमारा टेन, ठीक है, और ये कितना है माइनस का टेन, और ये कितना हमारा बी टू कितना आएगा सिक्स, और ये कितना है माइनस ट्वेंटी टू। अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं, फाइव अपॉन माइनस का दस, पाँच अगर पाँच, पाँच दूनी दस, कट गया तो एक बटे दो, लेकिन माइनस का। बी वन अपॉन बी टू निकाल लेते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा माइनस तीन बटे छः, ए तीन एकम तीन, तीन दूना छः, कितना माइनस का एक बटे दो। सी वन सी टू निकाल लेते हैं, दस अपॉन बाईस, ये यहाँ पास क्वेश्चन में ग्यारह है, ठीक है, दस नहीं है, ये क्वेश्चन में ग्यारह दिया हुआ है, तो सी वन हमारा कितना आ जाएगा ग्यारह, तो यहाँ पास हम कितना रखेंगे ग्यारह, ठीक है, और माइनस का ये, तो ग्यारह कम ग्यारह, ग्यारह दुना बाईस, यानी कि माइनस का एक बटे दो, ये भी आ जाएगा। तो देखो ए वन अपॉन ए टू कितना है माइनस एक बटे दो, बी वन अपॉन बी टू भी कितना है माइनस एक अपॉन, सी वन अपॉन सी टू कितना है माइनस का एक बटे दो, तीनों बराबर हैं, और जब तीनों बराबर तो संपाति, संपाति है मतलब इसके अनेक हल, अनेक हल तो ये संगत, कैसा होगा संगत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव होमवर्क में है, इसको घर से करके कमेंट करना है, संगत है या असंगत है।